गाइस उम्मीद खैरियत होंगे। आज का नया व्लॉग शुरू करते हैं। आज हमने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है, स्टेप बाय स्टेप आपका भाई क्या करेगा। जो कि मेरे पास ये फदर शल्ला आ जाता है, मैं आपको दिखाता हूं भाई। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये फदर शल्ला आ जाता है, उसके साथ ये डोर वगैरह आ जाती है। ये डोर का गुंजा जो कि बहुत ज्यादा भरा हुआ है। तो गाइस जैसे कि आपने देख लिया कि गुंजल बाबा सारा भरा हुआ है, जो कि इसको कैसे निकाल सकते हैं और वो जो जिनको तरीका नहीं आता, ये अपने भाई की वीडियो दे ले, आपका भाई सही बताएगा। जो क्या करते हैं लोग, गुंजल पड़ जाता है वो उसको क्या करते हैं, ज़ाया कर देते हैं, तोड़ तोड़ के हैं। ज़ाया नहीं करते भाई, पागल हो, अपनी वीडियो अपने भाई की वीडियो देखो, आपको सारा तरीका आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी दिया क्या करो। तो आज की वीडियो में आपको बताता हूँ ये जो गुंजल पड़ा हुआ है इसको कैसे मैं सेटमेट करेंगे और किस तरह से निकालेंगे ताकि आपकी डोज ज़ाया ना हो। तो लास्ट में करते हैं, हम आपको बताता हूँ किस तरह से आप बागड़ में आसानी से, बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप अपने भाई की वीडियो देखो, आपको सारी समझ लग जाएगी। लास्ट में करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपका भाई बताने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये गुंजल वगैरह उतारने के दिखाऊंगा, जो कि फदर शल्ला है उसको बाद में देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपका भाई बताने जा रहा है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। बार बार आपका भाई कह रहा है तो इसलिए देखा करो। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये देख सकते हैं मेरे पास सबसे पहले आ जाता है ये डोर वगैरह जिसका गुंजल वगैरह भरा हुआ है। लोग क्या करते हैं, ये गुंजल जो वगैरह है इसको ऐसे ऐसे उतार कर ना ऐसे ऐसे मरोड़ मरोड़ को फेंक देते हैं। वो फेंक दे नहीं है भाई, ये अपने भाई की वीडियो देखो, आपको बताता हूँ ये गुंजल वगैरह पर क्या करने हैं। ये देख सकते हैं पहले क्या करना है, आपने इस तरह से कुछ कर लेना है। इस तरह से करने के बाद ये देख सकते हैं गाई ये वाला सिरा जो कि ये टूटा हुआ है बीच में, ये डोर भी टूटी हुई है। तो क्या करेंगे, ये देख सकते हैं बाकी ये गुंजल वगैरह उतरा हुआ है, उसको मैं सेट में आपको बताता हूँ ये किस तरह से कर सकते हैं। तो भाई क्या करेंगे, डोर वगैरह जो ये वाला गुंजल है ना इसको ये साइड से रख लेंगे। तो ये वाला है इसको ये देख सकते हैं, ये गुंजल सबसे पहले ये गुंजल वगैरह सही करेंगे, आपको बताता हूँ। ये देख सकते बहुत आसानी से आप सेटमेंट कर सकते हैं। ये देख सकते मेरा गुंजल यहाँ से सही हो गया और जो डोर का वो सीरा है ना, ये देख सकते मेरे पास सीरा आ गया जो कि मेन सीरा है मेरे ख्याल से, और बीच में एक और सीरा जो कि मैंने आपको दिखाया था। तो क्या करेंगे, ये जो सीरा है ना मैं इसको इस साइड से रख लेता हूँ, इस साइड से आपने इस तरह से कर लेना। और भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गुंजल जो कि उतर भी चुके हैं, बहुत ही बात आसानी से आप उतार सकते हो। ये देख सकते हैं मेरे पास अब ये यहाँ से रह गया थोड़ा सा, और ये वाला डोर देख सकते हैं इसका ये जो कि टूटा हुआ है, तो बीच में से टूटा है। आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ये जो वाला ये है ना गुंजल जो पड़ा हुआ है तो उसको क्या करें, ये वाला डोर देख रहे हो आप इस तरह से ना ऐसे ऐसे आपने कर लेना है, ठीक है। जब ऐसे ऐसे करो, ये जैसे कि यहाँ से उतर चुका है, दो और सीरे आ गया, एक आपको मैं पहले दिखाया था, उसके बाद जो कि ये जैसे सकते हैं मेरे पास एक और सीरा आ गया। ये टोटल मिला के तीन सिरे है, एक सिरा मैंने निकाल लिया मेरे सिरे। तो इसको क्या करना है, ये देखो तीन सिरे हैं, एक ये जा रहा है, एक ये वाला है, एक ये वाला जो कि मेरे हाथ में है, ये देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ से उतार लिया, ये लगता है मेन सिर है। तो मेरे ख्याल से मैं जब उसको उतारूँगा तो ये वाला निकल जाएगा, तो उसके बाद ये वाला भी मेरे ख्याल से आ सकता है। तो मैं क्या करूँगा गाइस, इसको ना मैं ऐसे ऐसे उतार लूँगा, जो मेन सिरा इसको मैं उतार लेता हूँ बहुत आसानी से, आपने पहले वो छेड़ना नहीं है। तो गाइस इस तरह से उतार लूँगा, और जो ये वाला मेन सिरा ना इसको आपने अभी टच नहीं करना, ये देख सकते हैं जो ये मेन वाला सिरा ना जो कि बहुत आसानी से उतर है, तो आपने उसको ही उतारना है। तो मेरा वो ये वाला मेन सिरा इसको बहुत आसानी से आप उतार सकते, और ये वाला दो सिरा ना इसको आपने बाद में उतारना है ना। मैं क्या करूँगा इसको ना मैं पहले उतार लेता हूँ, इस तरह से ना उतारते जाना है, उतारते जाना है। मेरे डोर जो के नीचे वो कन्या खा रही है, तो हमें इस तरह से करते जाना है, करते जाना है, बहुत आसानी से आपकी डोर सेटमेट हो जाएगी, आपका बाइक सेटमेट कर देगा। तो बाइक की वीडियो देख लिया करो आके, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो गाई ये देख सकते हैं मेरे पास अभी क्या करता हूँ मैं, गुंजा बाबा सारे उतर चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं गाई मेरे पास ये वाला डोर आ गया है, और जो कि एक सिरा निकल चुका है जो कि बीच वाला था, जो कि ये इस तरह का था। ये देख सकते हैं गाई काफ़ी थोड़ा सा टूटा निकल चुका है। तो मैंने क्या कहा था आपको, आपका भाई सही कर देगा। आप देख सकते हैं ये गोड़ वगैरह जो कि सेटमेंट हो चुकी है मेरे ख्याल से। ये दो सिरे जो कि मैंने आपको दिखाया था ना, ये वाला सिरा गाई ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लंबा सिरा, ये दो सिरे मिला के हो जाता है। यह मेरी वीडियो में देख सकते हो, ये दो सिरे हैं मेरे ख्याल से, दो सिरे शो हो रहे थे ना हमको, आपको मैं दिखाया था, वो दो सिरे खट्टे निकल चुके हैं, उसका मतलब ये सेटमेंट हो चुकी है। ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डोना सेटमेंट, अब कोई सिरा नहीं है, बस ये मेन वाला सिरा है। अब देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये गंद भरा हुआ है, तो कोई बात नहीं गाई मैं इनके ऊपर ही उतार लिया है, जो कि वो मेन जो कि वो वाला था सिरा। ये देख सकते गाई थोड़ा सा ये टोटा निकल चुका है,
ये देख सकते हैं ये भरा हुआ टोटा जो ये देख सकते हैं गाय कितनी सेटमेंट हो गया आपको। जैसे कि आपने देख लिया होगा कि कितना से आसानी से आप उतार सकते हो। दो सिरे मैंने एक साइड से रख लिया जो कि वो बेफजूस था, तो इतना गुंजल नहीं पड़ा। आपके भाई ने राम सुकून से गुंजल बचाने से बचा लिया, गुंजल पड़ने से बचा लिया। इस तरह से आप भी कर सकते हो। तो गाइस अब मैं क्या करूंगा, वो फदरा छल्ला मैं अब उसको डालने लगा हूँ। मैंने गुंजल वगैरह उतार लिया, अब ये डोर एक साइड से परी हुई है। मैं अब क्या करूंगा इसको ना, मैं अब गुड्डा डालने वाला हूँ। ये देख सकते हैं हमारा गुड्डा गुड्डा परा हुआ फदर छल्ला जिसे कहते हैं, हम उसको उड़ाएंगे। अब इसके साथ उड़ाने लगे हैं। अब मैं ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसके आगे ये डोर है, ये देख सकते हैं गाइस ये शो हो रही है। वहाँ पर मैंने रखी हुई है एक साइड पर जो कि गुंजल बचाने से बचा लिया था, इसलिए मैंने एक साइड पर उसको आसानी से गुंजलों से गुंजल पड़ने से बचा लिया। आप इस तरह से कर सकते हो। अब मैं वो उड़ाने लगा हूँ फदर छल्ला। तो गाइस अब ना मैंने इसको गिरा बांध लिया, मैं उड़ाने वाला हूँ ये फदर छल्ला जो कि बहुत ही ज़्यादा लेवल का गुड्डा है। तो ये देख सकते हैं मैंने डोर नीचे परी हुई है जो कि मैंने उसको गुंजल उतार लिया। भाई आसानी से आप उतार सकती हो, इसमें क्या टेंशन है भाई। फदर छल्ला देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर से भारी हो चुका है। ये देख सकते गाइस इसका तीला जो कि ऊपर से भारी है, जो कि ये नीचे वाले साइड से थोड़ा सा हल्का है। इसको अब क्या करेंगे, थोड़ा हो भारी करेंगे और नीचे वाले साइड को थोड़ा सा वट्टा बांध लेंगे ताकि हमारा गुड्डा आसानी से उठ सकते। देख सकते आपका भाई है क्या करने वाला। ये देख सकते आपने आपका भाई ने ये भट्टा पकड़ लिया है, ये बादाम का टुकड़ा पकड़ लिया जो ऊपर से आंसू छिलका कहते हैं वो पकड़ लिया। आप क्या करेंगे, ये फदर छल्ला जो कि ऊपर से भारी हो चुका है, अब इसको नीचे से बारी करेंगे। नीचे ये वट्टा मैंने पकड़ लिया, अब क्या करेंगे ये वट्टे और जो कि बादाम के टुकड़े को मैं इस साइड पर रख लूँगा। इस तरह से आप ये आप टेप लगाएंगे हम। तो गाइज मैंने ये देख सकते हैं मैंने वट्टा बांध लिया। अब ये गाइज क्या होगा, वट्टे बांधने का ये फ़ायदा है कि नीचे वाले हिस्से को वट्टा बांध लेते हैं, कोई भारी जी चीज़ बांध लेते हैं तो वो बारा हो जाता है। इसका ये मतलब है हमारा गुड्डा सुपरस्टार बन जाता है। अब ये इसको डाना स्टार करते हैं और इसका ये मतलब है कि ऊपर वाली शह भारी है तो नीचे वाली शह कम है, इसलिए हमने वट्टा बाराया बना है। तो इसलिए हमारा गुड्डा जो कि एक साइड पर टिका रहे और हमारा गुड्डा उड़ने में कामयाब हो सके। भाई जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा गुड्डा कहाँ पर फंस चुका है, वो भी छूटना जो कि मुश्किल हो गया। मैं तुनके पर तुनके दे ही आ रहा हूँ वो हमारा गुड्डा जो कि फंस चुका है। तो मैं आप देख रहा हूँ याद आ जाए हमारा गुड्डा फंस चुका है। तो गाइस आज जो कि पेचा लगने वाला था तो मैंने डाल लिया था, उसने भी डाला था लेकिन वो हमारा कामयाब हो गया। तो गाइस अभी ना जो कि मैंने पेचा लगाना था कि भी गुड्डे जो कि उड़ने शुरू होने वाले थे, तो मैं कह रहा था कि अगर मैं गुड्डा डाले तो एक घंटा पहले डाल लेता था, शायद मैं किसी से पेचा लगा सका। लेकिन जो कि गुड्डा हमारा फंस चुका था, ये देख सकते गाइस हमारा गुड्डा जो कि इसकी बुरी हालत हो गई है। गाइस कितनी बुरी हालत हो भी चुकी है, जो कि फंस चुका था वो नुक्कड़ पर, जो कि आप देख सकते हो वो वाली नुक्कड़ पर फंस चुका था, जो कि उसको छुड़ाने छुड़ाने के चक्कर में हमारा गुड्डा छूट तो गया लेकिन फट भी चुका है, तो डैमेज हो चुका है जो कि बहुत ही बुरी हालत है। ये देख सकते गाइस यहाँ से डैमेज हुआ है, यहाँ से वहाँ गुड्डा अर चुका था जो कि छुड़ाने का भाई ये हालत हो गई है। तो गाइस मैंने सबसे पहले आपको डोर का तरीका दिखाया है, जो कि गुंजल वगैरह पड़ जाते हैं तो लोग जो कि क्या करते हैं वेस्ट कर देते हैं। मैं सारा आपको तरीका बता दिया है, यह वीडियो आपके लिए। ये जैसे गाइस हमारे डोर जो कि सही सलामत हो चुकी है, जो गुंजल वगैरह पड़ देते हैं, आपको वीडियो में आपको गुंजल वगैरह तरीका बता दिया किस तरह से आप गुंजल वगैरह उतार सकते हो, किस तरह से आप वेस्ट नहीं कर सकते। तो अब ये वीडियो आपके लिए जो क्या जो कि बहुत ही ज़्यादा किसी के साथ पेचा होने वाला था, क्योंकि हमारा गुड्डा फट चुका है। ये देख सकते हैं मैंने आपको दिखाया भी है। तो गाइस किस तरह की लगी, अगर ब्रो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें। आज जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला था लेकिन हमारा जो कि सारा प्लान चौपट हो गया। तो कैसा लगा हमारा ब्रो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें, सारा तरीका आपको बता दिया, बाइक को सपोर्ट करें। तो इसी तरह बाइक को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।